असल रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल इंसान कौन है मालूम? इज्जत माब इंसान कौन है मेरे नजदीक? वो इंसान इज्जत माब है मेरे नजदीक जो जब मर जाए और मरने के बाद उसकी रूह को फरिश्ते आसमान की तरफ ले जाए तो पहले आसमान की कैफियत आती है। जब नेक इंसान को ले जाते हैं वो लोग पहले सुन लेते रहे कोई नेक इंसान आ रहा, चूंकि उसके कफन बहुत खुशबूदार होता है और उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। अरे वो आ रहा, उसका इंतकाल हो गया, फरिश्ते उसको लेके आने वाले, दरवाजा खोलना है, फिर फरिश्ते आते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलने से पहले फरिश्ते पूछते कौन है क्या है और फिर वेलकम करते, आओ जो है नेक रूह, और अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, पहले आसमान में वेलकम, दूसरे आसमान में वेलकम, तीसरे आसमान वेलकम, चौथे आसमान वेलकम, पांचवें आसमान वेलकम, छठे पे वेलकम, सातवें वेलकम, फिर एक आवाज आती है इस मेरे नेक बंदे को ले जाकर जमीन में दफना दो, चूंकि मैंने इनको इसी से पैदा किया है और मैं इनको दोबारा इसी मिट्टी से उठाऊंगा, इसे ले जाओ उसको इज्जत के साथ, पहले सातवें से छठे, छठे से पांचवें, पांचवें चौथे, रिस्पेक्ट के साथ लाया था, खबर में सुना दिया। तो पहचान अगर हो तो ऐसी पहचान हो कि इंसान मर कर जाए तो आसमान के फरिश्ते पहले से इंतजार कर। ये रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर है ना। लोग बोलते बहुत जब मरे तो ये हुआ वो हुआ, अरे वो सब छोड़ो, वहां क्या हो रहा हुआ सर, वहां वो पहचान बनाने के लिए यहाँ का बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तो वो रिस्पेक्ट बनती है, वो बनती है रिस्पेक्ट, वो अल्लाह ताला फिर वो करेंगे, आपके अमाल को कबूल करेंगे, आपको पसंद करेंगे, फिर अपना रहम करेंगे और फजल करेंगे और उसके बदले इंशाल्लाह जन्नत देंगे। ऐसी पहचान बनाओ भैया, बाकी पहचान नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।